हेलो फ्रेंड्स, वैशाली इस वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पौष्टिक डोसा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है एक बाउल में और एक प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट जो रहता है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये जो डोसा है ये आप झट से बना सकते हो और बहुत ही पौष्टिक डोसा है। इसके बाद मैंने एक बाउल भर के ज्वार का आटा लिया है और इसके साथ मैंने राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा वो डाल दिया है और बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये जो डोसा है ये ज्वार के आटे से मैं बना रही हूँ, आप इसको बाजरे के आटे से भी बना सकते हो। और साथ में इसमें 2 चम्मच भर के दही डाल रही हूँ। दही से क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा और बैटर हमारा अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स करके। रेड चिली पाउडर तो भूल ही गई तो अभी डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर डाल दिया, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ही डाला है मैंने, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इसमें हरी मिर्च हमने पीसी हुई डाली थी ऑलरेडी। तो देखिए ये जो बैटर है उसको हमें स्मूथ बैटर बना के लेना है। स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिए या आप बाजरे के आटे के साथ भी बना सकते हो या फिर मिलेट आटा मिलता है इससे आप बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए डाल दिया है। जैसे हमारे डोसा की कंसिस्टेंसी रहती है बैटर की वैसे हमें बनानी है और इसको ढक के हमें 10 मिनट के लिए रख देना है। तो ये जो डोसा है बहुत ही पौष्टिक डोसा है, इसको आपको भिगो के फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट आप इसको साइड में रख दीजिए तो ये अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाए। ज्वार का आटा, दही, राइस फ्लोर ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। तो देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। फिर पैन को अच्छे से गरम करके लेना है, देखो कितना अच्छे से गरम किया है मैंने। उसके बाद इस बैटर को धीरे धीरे करके फैलाना है। इट्स रेडी टू ईट। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।